विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच विवाद है ये हर कोई जानता है, और उसकी लेटेस्ट तस्वीरें दिखने को मिली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जब मुकाबला खत्म हुआ। तो जब मुकाबला खत्म होता है तो एक टीम जो फील्डिंग टीम होती है वो बाहर निकल रही होती है ग्राउंड से, और जो बाहर टीम बैठी होती है बैटिंग टीम वो ग्राउंड में आती है और सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो विराट कोहली जो फील्डिंग साइड का हिस्सा थे वो बाहर जा रहे थे, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, और दूसरी तरफ से दिल्ली की टीम आगे आ रही थी। दिल्ली की टीम में अगर हम बात करें, सबसे पहले विराट कोहली ने डेविड वार्नर से हाथ मिलाया, खुद विराट ने आगे बढ़कर खुद अपना हाथ पहले आगे किया और डेविड वार्नर से मिलाया, फिर उन्होंने मिशेल मार्श से हाथ मिलाया, फिर उसके बाद कैमरा बदल जाता है और आपको एक अलग एंगल देखने को मिलता है जिसमें पृथ्वी शॉ नजर आ रहे हैं। विराट कोहली पृथ्वी शॉ से हाथ मिलाते हैं और पृथ्वी शॉ के पीछे थे रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली, और विराट कोहली इस चीज को देख लेते हैं। तो विराट क्या करते हैं, पृथ्वी शॉ से हाथ मिलाने के बाद वो डायरेक्ट एकदम से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि वो रिकी पॉन्टिंग और गांगुली दोनों को क्रॉस कर लें और वो आगे बढ़ जाएं। लेकिन उसी बीच रिकी पॉन्टिंग विराट कोहली को रोकते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने मुझे देखा नहीं, या जो तस्वीरें देख रहे हैं ना उसमें आपको बहुत ज्यादा क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि जो तस्वीरों की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन तस्वीरों में यही हुआ कि रिकी पॉन्टिंग ने विराट का हाथ पकड़ा और उनसे पूछा। और उस समय दादा ये बात समझ चुके थे कि विराट कोहली सौरव गांगुली को अवॉइड करने के लिए आगे बढ़े थे। तो जब पॉन्टिंग बात कर रहे होते हैं विराट कोहली से, तो उस दौरान सौरव गांगुली पॉन्टिंग से क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं, विराट कोहली उधर हो जाते हैं और पॉन्टिंग और उनके बीच में बात हो रही होती है और दादा निकल के आगे आ जाते हैं, और फिर विराट कोहली पीछे मुड़कर उनको देखते हैं कि वो देखते हैं कि सौरव गांगुली आगे जा चुके हैं। यानी कि एक नया इंस्टेंस सामने आया जहां पर खुद विराट कोहली ने ओपनली, विराट को पता था कि कैमरा उनको रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ओपनली सौरव गांगुली को इग्नोर किया और उनसे हाथ नहीं मिलाया, उनसे हाथ बढ़ाने के लिए मिलाने के लिए आगे नहीं बढ़ाया। हालांकि हमने हमेशा ही देखा है कि इससे पहले भी एक वाक्य आपको याद होगा जब विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई हुई थी, आईपीएल में ही ये विवाद हुआ था, लेकिन मैच खत्म होने के बाद विराट खुद सामने से आगे आए थे और उन्होंने गौतम से हाथ मिलाया था और